स्टूडेंट्स, कैसे आप सब ठीक हैं? ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपका स्किल बूस्टर पैक का पेज नंबर 25 करेंगे। उस पे आपने क्या करना है, हरूफ अलिफ ता से लिखने हैं, अलिफ ता से तक लिखने हैं और फिर पढ़ने भी हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अलिफ अलिफ अनार, अलिफ मदा आम, बे बकरी, ते पतंग, ते तितली, ते टमाटर, से समर। ठीक है, अब हमने इसको लिखना भी है। अब अलिफ देखिए ऊपर की तीन लाइनों में होता है, इस नुक्ते से आपने शुरू करना है और यहाँ तक ऐसे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, एक दफा पहले हम अलिफ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद है अलिफ मदा आम। पहले आपने अलिफ बनाना है, फिर इसको ऊपर मदा बनाना है, यहाँ से भी अलिफ मदा आम। देखिए अलिफ और अलिफ मदा एक जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद है बे बकरी, बे आपने कैसे लिखना है, दूसरी लाइन से आपने नीचे आना है तीसरी लाइन पे और फिर यहाँ से यू स्ट्रेट लगा करके ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, और बे के नीचे क्या होता है, बे के नीचे एक नुक्ता होता है, यहाँ पर हम दोबारा लिखते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या है, पे पतंग, पे भी आपने बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे आपने बे लिखा है और पे के नीचे तीन नुक्ते होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ते तितली, ते भी आपने ऐसे लिखना है जैसे बे और पे लिखा है हमने और ते के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। फिर है टे टमाटर, टे के ऊपर क्या होता है, टे के ऊपर होती है टोपी, ये देखिए। फिर है से समर, से के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं, तीन नुक्ते होते हैं। अब देखिए हमने क्या लिखा है, बे की फैमिली लिखी है ना, बे का खानदान जो है वो बिल्कुल एक जैसा ही लिखा जाता है, सिर्फ नुक्तों का फर्क होता है। ठीक है, एक दफा फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, अलिफ अनार, अलिफ मदा आम, बे बकरी, पे पतंग, ते तितली, टे टमाटर, से समर। इसको पढ़ने के बाद फिर आपने इसमें अच्छे अच्छे से तस्वीर में रंग भी भरने हैं। ठीक है, थैंक यू।